गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जयपुर व्लॉग्स में। और गाइस, अभी मैं यार अनबॉक्सिंग करने वाला हूं मेरे गोप्रो हीरो 9 की। तो फाइनली यार अपन ने गोप्रो हीरो 9 ले लिया, तो चलो यार जल्दी से करते हैं उसकी अनबॉक्सिंग। तो गाइस फाइनली यार अपना जो गोप्रो हीरो 9 है वो आ चुका है। तो यार उसका ये बॉक्स है, ये वैसे मैंने पहले ही इसको जो है वो अनबॉक्स कर लिया था, क्योंकि ऑनलाइन मंगाया था तो थोड़ा सा यार रिक्स रहता है ऑनलाइन में। इस चक्कर में मैंने इसका जो बॉक्स है वो पूरा ओपन करके मैंने चेक कर लिया था। तो गाइस ये यार अपना स्पेशल बंडल है, तो अभी करता हूँ उसको मैं ओपन। तो गाइस हीरो 9 में यार आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि आपको गोप्रो की तरफ से यार एक ये छोटा सा बैग मिलता है, जिसके अंदर अपना जो गोप्रो है वो रख के ले जा सकते हैं। तो अब करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं इसके अंदर एसेसरीज आपने को क्या क्या मिलती है। तो गाइस इसको अनबॉक्स करते ही यार सबसे पहले तो अपन बात करते हैं इसकी हैंड ग्रिप की। तो ये जो गाइस हैंड ग्रिप है यार, ये अपने क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। और अगर ये आप अलग से बाय करते हैं तो करीबन 2500 से 3000 के आसपास अपने को ये देखने को मिलती है ऑनलाइन। बाकी यार अगर हाथ में पकड़ के देखते हैं तो यार बहुत शानदार क्वालिटी है यार ये। और नीचे इसका गोप्रो का लोगो लगा हुआ है। और इसमें यार एक बेनिफिट ये भी है कि अपने को ये हैंड के लिए एक डोर मिल जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अपन ने इसमें गोप्रो फिट कर लिया और अपन इसको ऐसे डाल के अपन आराम से व्लॉगिंग वगैरह कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि अपना गोप्रो गिरने का रिस्क नहीं होता। कभी कभार क्या होता है कि जिसके अंदर डोरी नहीं होती तो उसमें क्या होता है कि बाई चांस अगर अपना जो गोप्रो है वो अगर अपने हाथ से छूट जाता है तो उसमें क्या होता है कि अपना जो गोप्रो है यार वो टूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। बट अगर इसमें अगर अपना जो गोप्रो है वो गिर जाता है तो ये ऐसे यहाँ पे यूँ लटक जाता है। तो इसमें एक ये बेनिफिट ये और मिलता है। तो यार इसकी जो ग्रिपिंग है यार वो मुझे बहुत सही लगी। तो ये अपने को स्पेशल बंडल के अंदर ही देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसकी माउंट्स वगैरह की। तो इसमें एक आपको ये माउंट्स वगैरह मिलते हैं साथ में, और एक ये मिलता है हेलमेट के अंदर अपने को चिपकाने का। तो इसमें वैसे 3mm की जो टेप है वो लगी हुई है। तो अब इसको कैसे फ़िट करना होता है अगर आपको नहीं पता तो मैं आपके साथ मेरी जो पुरानी जो वीडियो है जो जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो है अपने हेलमेट में कैसा लगता है। मैंने वैसे तो यार एमसील से फ़िट किया था, तो उसमें क्या होता है कि यार एकदम फ़िट हो जाता है, गिरने के चांस उसमें नहीं रहते। डबल टेप में यार चांस रहता है कि अपना जो गोप्रो है वो गिर जाता है। तो एमसील्स के अंदर क्या होता है कि एकदम फ़िट हो जाता है वो प्रॉपर तरीके से, तो उसमें अपना जो गोप्रो है वो गिरने का चांस बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आपके साथ आई बटन में शेयर कर दूंगा, आप वो वाली वीडियो चेक करके देख सकते हैं कि वो किस तरीके से फ़िट होता है। तो अब इसके बाद अपने को एक ये दो स्क्रू मिलते हैं इसके अंदर, ये अपने गोप्रो टाइट करने के लिए आता है। अब यार मैं बात करता हूँ इसकी, तो ये यार ये एक तरह से बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ख़ास करके मेरे लिए, तो क्योंकि मैं मोटो व्लॉग वगैरह करता हूँ। तो इसके अंदर अपने को एक बेनिफिट ये मिलता है कि अपने जो गोप्रो है आप वो डायरेक्ट यहाँ पे लगा के और किसी क्लिप वगैरह में आप यूँ ऐसे अटैच कर सकते हैं। और इसके अंदर भी आपको रबड़ ग्रिपिंग मिलती है, तो इसमें जो अपना गोप्रो है वो एकदम फिट हो जाता है यार, वो हिलता डुलता नहीं है। और एक इसकी ख़ास बात मैं आपको बताऊँ, तो गाइस ये जो है ये इस तरीके से फ़िट हो जाता है, ये कहीं पर जाएगा नहीं। और ये क्लिप का है, ये क्लिप भी आप इसमें लगा सकते हो, और ये चिंबक भी है। अब आराम से अपना गोप्रो है यहाँ पे फिट हो जाता है। तो एक बेनिफिट ये भी है यार इस चीज़ का। तो अब इसके अंदर अपने को मिलती है दो बैटरी। स्पेशल बंडल में अपने को यार एक बेनिफिट ये मिलता है कि अपने को इसके अंदर दो बैटरी मिलती है। अगर अपना स्पेशल बंडल नहीं होता तो स्पेशल बंडल में अपने को ये दो बैटरी नहीं मिलती, एक बैटरी मिलती। और अपने को जो ग्रिप दिखाई मैंने आपको, वो ग्रिप भी उसके अंदर नहीं मिलती है। तो एक बेनिफिट ये भी है कि अब जैसे अपन मान लो अपन कहीं बाहर गए हैं, अपने पास चार्जिंग पॉइंट नहीं है आसपास में कहीं, तो अपन दूसरी बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं, एक बेनिफिट ये भी है। और अब बात करते हैं अपने मेन आइटम की, जो कि है अपना गोप्रो हीरो 9। तो यार पुराने यार गोप्रो से कंपेयर करूँ तो मैं यार इसमें क्वालिटी इन्होंने बहुत अच्छी करी है। और इसकी जो डिस्प्ले है वो पुराने वालों से यार बहुत बड़ी डिस्प्ले दी है। प्लस इसके जो बटन्स हैं यार वो बटन्स भी बहुत बड़े हैं पुराने वाले से, अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो पुराने वाले गोप्रो से। इसके अंदर यार एक बेनिफिट ये मिलता है कि जैसे अगर मैंने ग्लव्स पहन रखे हूँ, ग्लव्स पहनने के बाद मेरे को जो बटन पुश करना है तो मेरे को पुराने वालों में दिक्कत आती थी, लेकिन अभी हीरो 9 के अंदर ये दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें जो बटन है वो बड़े हैं। पुराने वाले में अपने को क्या करना पड़ता था, यूँ नेल से अपने को यूँ पुश करना पड़ता था, तब जाके जो अपना गोप्रो है वो ऑन होता था या रिकॉर्डिंग ऑन होती थी। अब बात करता हूँ मैं फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको एक स्पीकर देखने को मिलता है और आगे ही आपको एक बड़ी सी डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो अपने व्लॉगिंग वगैरह में अपन क्या होता था कि अपने को अंदाज़ा लगा के
जो पुराने वाले जो अपने गोप्रो होते थे उसके अंदर अपने को आगे स्क्रीन देखने को नहीं मिलती थी, बहुत छोटी सी स्क्रीन थी। उसके अंदर अपन अपना जो आगे का जो जैसे अपन ऐसे व्लॉगिंग करते हैं तो उसमें अपन खुद को नहीं देख पाते थे, अभी यार इसके अंदर अपन वो चीज़ देख सकते हैं। तो इसमें यार एक बेनिफिट ये है कि अपने को बार बार अपना जो एंगल है कैमरे का वो चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो यार एक बेनिफिट ये और मिल गया है मेरे को इसके अंदर, गोप्रो के अंदर। और ये अपने एक अपने को एक स्पीकर यहाँ नीचे दिया हुआ है, तो एक बेनिफिट ये भी है अपने गोप्रो के अंदर। तब मैं जल्दी से करता हूँ यार इसको ऑन। तो इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले मेरे को इसको नीचे की साइड पुश करना पड़ेगा और जो अपना जो ढक्कन है वो ऑन हो जाएगा। इसके अंदर अपनी जो बैटरी है, बैटरी इसके अंदर अपनी लग जाएगी, मेमोरी कार्ड भी इसके अंदर लग जाएगा। बट यार अभी मेरे को हीरो 9 के अंदर जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट लगा है वो इसका चार्जिंग का है। तो जो पुराने वाले थे यार उसके अंदर तो क्या है कि डायरेक्ट ही अपन लगा सकते थे, लेकिन अभी अपने को जो ये ढक्कन है वो अनलॉक करके अपने को जो चार्जिंग है वो चार्जिंग करनी पड़ेगी। तो यार ये मुझे थोड़ा सा दिक्कत का मामला लग रहा है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम यार होगी। बट क्वालिटी, अभी क्वालिटी में मैं आपको चेक कराऊंगा इसकी। तो मैं सबसे पहले इसमें बैटरी लगा देता हूँ, मेमोरी कार्ड में अभी नहीं लगा रहा, मेमोरी कार्ड में बाद में लगाऊंगा इसके अंदर। तो गाइस अपना जो गोप्रो है वो हो चुका है रेडी और ये हो चुका है ऑन। तो सेट मैन्युअली, तो मैं इसको यार पहले जो अपनी जो एप्लीकेशन है उससे कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे। तो गाइस फाइनली मैंने अपना जो फ़ोन है वो अपने हाथ में ले लिया है। एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड ऑलरेडी इसके अंदर कर रखी थी, तो अब मैं इसको करता हूँ सेटअप। क्विक ऐप कनेक्ट है गोप्रो, इसको पेयर कर लेते हैं अपन। सेव न्यू नेम, लेट्स गो, गॉट इट, कंट्रोल योर गोप्रो। तो यार इसमें एक बेनिफिट ये है यार गोप्रो में, मुझे यही बेनिफिट अच्छा लगता है कि अपन अपने जो गोप्रो को है वो अपन डायरेक्ट अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यार एक बेनिफिट ये और मिलता है मेरे को, बहुत अच्छा लगता है कि यार मान लो कि अपन कहीं ऐसी जगह पे अपने को यार फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करनी हो, अपने को जो गोप्रो है वो कंट्रोल करना हो, तो मैं इसको कहीं पर भी माउंट करके रोक के रख के कहीं पे भी अपने फ़ोन से ही अपन कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये है गोप्रो की क्वालिटी। तो गाइस इसके अंदर अपने को यार 5K वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो देखने को मिल जाती है, 4K भी मिल जाती है, 2.7K भी मिल जाती है और 1080 पिक्सल जो अपने को देखने को मिल जाते हैं। तो अभी इसको मैं सेट कर लेता हूँ 5K पे। तो जूमिंग का भी यार इसमें, यार जूमिंग का भी अपन बहुत अच्छे से जूम कर सकते हैं। अभी 16:34 पे अपन आराम से इसको वाइड कर सकते हैं। उसके बाद अपन इसको, अगर मेरे को जूम करना हो तो मैं इसको और भी जूम कर सकता हूँ। तो एक बेनिफिट यार इसके अंदर ये भी मेरे को देखने को बढ़िया मिला है। और यहाँ से भी अपन इसको जूम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो जैसा अपने को चाहिए हो। बेसिकली यार सिनेमेटिक के लिए इसमें बहुत अच्छी चीज़ दी है कि इसमें अभी सिनेमेटिक मोड पे अभी है गोप्रो। तो अभी मैं आपको यार इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो दिखा देता हूँ किस तरीके की होती है। और इसके अंदर अपने को स्लोमो देखने को मिल जाता है, सिनेमेटिक मिल जाती है, एक्टिविटी देखने को मिल जाती है वाइड में, और स्टैंडर्ड के अंदर अपने को सुपर व्यू मोड देखने को मिल जाता है। सुपर व्यू मोड मेरे को बहुत सही लगता है क्योंकि उसके अंदर यार अपने को बहुत यार एरिया जो है वो कवर करता है यार, क्योंकि मैं अभी तक मैं जितने भी वीडियो बना रहा था सारी मैं इस पे सुपर व्यू पे लेके वीडियो बना रहा था। तो सुपर व्यू का मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इतना कवर करता है सुपर व्यू, आप फ़ोन में आराम से देख सकते हैं। तो उसके अंदर तो ढंग से कवर हो नहीं रहा होगा। तो एक यार बेनिफिट ये भी मिलता है देखने का। तो अभी यार मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ 5K पे, इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है। और अपने हीरो 6 जो मैं यूज़ कर रहा था उसकी 4K जो वीडियो क्वालिटी थी वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो गाइस जो वीडियो क्वालिटी है, ये वीडियो क्वालिटी मेरे गोप्रो हीरो 6 ब्लैक की है। इसके अंदर मैंने कोई भी माइक जो है वो यूज़ नहीं किया है, इसका इंटरनल माइक ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस इसकी जो वीडियो क्वालिटी है आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे गोप्रो हीरो 9 की वीडियो क्वालिटी और उसकी जो वॉइस है वो कैसी आती है, वो भी अपन चल के देखते हैं। तो गाइस ये जो वीडियो क्वालिटी है ये मेरे गोप्रो हीरो 9 की है। इसके अंदर मैंने कोई माइक यूज़ नहीं किया, इसका इंटरनल माइक जो है वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस ये है इसकी वीडियो क्वालिटी। और जो गोप्रो है ये मेरे को 38,000 का पड़ा है। इसके अंदर मेरे को एक मेमोरी कार्ड भी साथ में मिला है जो कि मैंने अभी इसके अंदर इंस्टॉल किया है।
तो गाइस इस वीडियो को मैं कर देता हूँ यहीं एंड। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, पास बेल आइकन आ रहा हो उसको दबाओ, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ ड्राइव, सेफ राइड एंड ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। बाय।